अपनों के लिए कभी भी कुछ करो तो उन्हें सुनाना बंद करो। हम क्या करते हैं, अक्सर अपनों के लिए कुछ करते हैं और फिर उसे सुनाते हैं, देख तेरे लिए मैंने ये किया, देख मैंने तेरे लिए ये किया, और सबसे ज्यादा वो हर्टिंग होता है। एंड कई बार मैंने देखा है, कई बार पेरेंट्स एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं, एंड होता क्या है, बाद में उसी शब्दों की कोई वैल्यू नहीं होती, और कई बार इसी शब्दों की वजह से लोग आपको हेट करना शुरू कर देते हैं। मधुमक्खी होती है, वो बहुत मेहनत करती है, एक एक फूल में से रस चूस के लाती है और हनी बनाती है। ये मीठा शहद सबको अच्छा लगता है, पर मधुमक्खी को कोई रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो करती है पर वो डंक मारती है। एंड जब आप अपनों को ताने मारते हैं, दैट मींस आप उनको डंक मारते हैं। तो हो सकता है कि आपके काम शहद जैसे होंगे, बट अगर आपकी डंक मारने की आदत होगी तो आपके अपने भी आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। कई बार हमारा बिहेवियर भी अपनों के साथ इतना गलत होता है, गलत शब्दों के साथ हमारा बर्ताव भी लोगों को अपनों से दूर कर देता है। मैं तो देखती हूँ कई बार लोगों का बर्ताव इतना रूड होता है, इतना रफ होता है, कि कई घरों में ऐसी हालत है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में आते हैं और घर वाले खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर जाते हैं और घर वाले खुश हो जाते हैं। तो जरा चेक कीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। रिलेशनशिप में मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। कई बार हम क्या करते हैं, अपना रिमोट सामने वाले के हाथ में दे देते हैं। अब उसके हाथ में है, उसकी मर्जी, उसने हंसाया आप हंसने लगे, उसने कुछ ऐसा कर दिया आप गुस्सा करने लगे, तो आप अपना रिमोट कंट्रोल क्यों किसी और को देते हैं? कई बार लोग कहते हैं, मैम सामने वाले का बर्ताव ही ऐसा होता है, मैं क्या करूं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। तो मैं उसके लिए गौतम बुद्ध का एक सुंदर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक बार एक इंसान थे जो गौतम बुद्ध से बड़ी नफरत करते थे, और उनको लगा कि आज तो गौतम बुद्ध के साथ जाके झगड़ा किया ही जाए। जैसे ही गौतम बुद्ध नजर आते हैं, ये उनके ऊपर गालियां निकालना शुरू करते हैं, गालियों की बारिश करते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और गौतम बुद्ध को सबके सामने अपमानित करते हैं। इतना बोलने के बावजूद भी गौतम बुद्ध शांति से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। वो इंसान कहते हैं, मैं तुम्हें इतनी गालियां निकाल रहा हूं और तुम मेरे सामने हंस रहे हो? गौतम बुद्ध बड़े प्यार से कहते हैं, मैं हंस रहा हूं उसका एक रीजन है। ये कहता है, क्या रीजन है? गौतम बुद्ध बड़े प्यार से कहते हैं कि तुम हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर पे जरूर जाते होंगे। वो कहता है, हाँ। ये कहते हैं कि जब तुम किसी के घर पे जाते हो तो उनके लिए उपहार लेके जाते हो, भेंट सौगात कुछ ना कुछ? कहता है, हाँ, पर इसका इससे क्या मतलब? गौतम बुद्ध कहते हैं, शांत, जब तुम किसी के घर पे उपहार या गिफ्ट कुछ भी लेके जाते हो और तुम उसे देते हो, अगर वो इंसान उसका स्वीकार ना करे तो क्या, वो तोहफे मेरे पास रहेंगे पर इसका तुम्हारी मुस्कुराहट से क्या लेना देना है? गौतम बुद्ध बड़े प्यार से कहते हैं कि देखो दोस्त, आज तुम भी मेरे घर आए और तुम ये गालियों की भेंट सौगात मेरे लिए लेके आए, बट मैं इसका स्वीकार नहीं करता और इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा। अब इस इंसान का पूरा गुस्सा शांत हो जाता है और वो समझ पाता है कि उन्होंने जो कहा कितनी बड़ी बात है, कि मैं तो गालियां लेके आया, मैं तो अपनी नेगेटिविटी लेके आया, उनके ऊपर डालने की कोशिश की, पर उन्होंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा और मैं उनको गुस्सा नहीं दिला पाया। तो इस स्टोरी से दोस्तों यही हमें मैसेज मिलता है कि जरूर आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जो बार बार आपको गुस्सा करवाते होंगे, बार बार आपका मूड बिगाड़ते होंगे, बट अगर आप चाहें तो अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं एंड हमेशा शांत रह सकते हैं। एंड ऑफकोर्स ये पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा से कई गुना ताकतवर होती है। अगर आप शांत रहेंगे तो सामने वाला कितना गुस्सा कर पाएगा? ऐसी छोटी छोटी टिप्स अगर आप जिंदगी में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने रिश्तों में और अपने नेचर में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला पाएंगे। सो मैं इतना ही कहूंगी कि आज से ही अपने रिलेशनशिप को महत्व देना शुरू कर दो, सामने वाले की कदर करना शुरू करो, उसको ताने मारना बंद करो और सामने वाले के हाथ में अपने माइंड का रिमोट देना बंद करो।